हेलो क्लास, अपना टॉपिक चल रहा है डिसऑर्डर को लेके। कल हमने पढ़ा था डिसऑर्डर्स होते क्या एक्चुअली। इट इज मेंटल इलनेस। और जो डिसऑर्डर्स होते हैं, डिसऑर्डर हमारे पास पांच तरीके के हैं। एडीएसडी, एसपीडी, एएसडी, ओडीडी एंड ओसीडी। एडीएसडी फुल फॉर्म हमने पढ़ी थी, अटेंशन डिफिशियंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एसपीडी की है सेंसिंग प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। एएसडी की अथिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ओ डी डी की है ओपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर। एंड ओसीडी की है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कल हमने बात की थी एडीएसडी की। एडीएसडी हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा एएसडी, सॉरी एसपीडी, सेंसिंग प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। एक्चुअली एसपीडी में एक्चुअली होता क्या है, हम बात करें। एसपीडी ये जो बीमारी होती है, ये सेंसर से रिलेटेड होती है। हमारी बॉडी में जो सेंसर्स होते हैं वो पांच होते हैं, आईज, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन, जिसको हम टच बोलते हैं। तो एक्चुअली एसपीडी में होता यह है कि जो हमारे सेंसर्स होते हैं वो या तो काम करेंगे अबो एवरेज या काम करेंगे बिलो एवरेज। अबो एवरेज एंड बिलो एवरेज को एक अपने एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक देख रहे हैं कि यहाँ पे वाटर टैप लगी हुई है, से पानी आ रहा है, बट नीचे जो बकेट बकेट है वो पूरी भर चुकी है और पानी ओवरफ्लो हो रहा है। इट मीन्स अबो एवरेज। यहाँ पे डिमांड कम है बट सप्लाई ज्यादा है। तो ये जो ज्यादा सप्लाई हो रही है वो क्या हो रही है, वेस्टेज हो रही है ना। तो ये हो गया अबव एवरेज। हम बात करते हैं बिलो एवरेज। सेकंड एग्जांपल में हम देख रहे हैं टैब है, उसके नीचे एक बकेट रखा है, वो पूरा खाली है और उसमें ये जो सप्लाई है, एक्चुअली डिमांड ज्यादा है। एक मिनट, बकेट खाली है इसलिए डिमांड ज्यादा है पर सप्लाई कम है, ड्रॉप में पानी आ रहा है। तो ड्रॉप ड्रॉप करके पानी आएगा तो इसमें बहुत टाइम लगेगा उसको फिल होने के लिए। तो एक्चुअली यहाँ पे देख रहे हैं तो अबव एवरेज सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। और यहाँ पे डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई कम है। तो ये एग्जांपल हो गया अबव एवरेज का, ये एग्जांपल हो गया बिलो एवरेज का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेंसरिंग प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एसपीडी में हमारे सेंसर अबव एवरेज काम करते हैं या फिर बिलो एवरेज काम करते हैं। अब जैसे इसमें होता क्या, इसके सिम्टम्स क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सिम्टम्स हम देखते हैं कि इसमें होता क्या कि एक्सट्रीम रेस्पॉन्स करते हैं हमारे सेंसर्स। फियर ऑफ सडन लाउड नॉइज। इसमें होता क्या कि जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं तो या तो उनको बिल्कुल सुनाई नहीं देगा या फिर उनको अबो एवरेज सुनाई देगा। तो हम जो बात नॉर्मल लग रही है हमें बात करने में, वो उनके लिए बहुत लाउडर हो जाती है, तो वो डर जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चे जब भी बाहर शोर होता है, घर पे कोई चिल्लाता है, तो बच्चे होते हैं सहम जाते हैं, भाग के कोने में छुप जाते हैं या टेबल के नीचे छुप के बैठ जाते हैं या बेड के नीचे छुप जाते हैं। तो ये रिस्पॉन्स होता है किसका, एसपीडी का। ये सिम्टम्स हम देखते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं इजिली डिस्ट्रैक्ट। ऐसे बच्चे इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि कोई भी बात चल रही है, नॉर्मल डिस्कशन चल रहा है, सामने वाले बच्चे ने चिल्ला के बोल दिया तो वो बच्चे एकदम सहम जाते हैं और होते क्या, इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यहीं पे हम बात करते हैं फियरफुल ऑफ सरप्राइज टच। जैसे कि हम लोग कई बार सरप्राइज देते हैं, बैठे होते हैं फ्रेंड सर्किल में, फ्रेंड आएगा, आंखें बंद करेगा, पूछेगा कि पहचान कौन, मैं कौन हूँ, नाम बता। तो एक्चुअली ऐसे जो सरप्राइज टच होते हैं उनसे वो लोग डर जाते हैं एकदम से, या नोन टच फील होते हैं वो लोग डर जाते हैं। तो ये होता है एसपीडी की वजह से कि सेंसर या तो अबव एवरेज काम करेंगे या फिर बिलो एवरेज काम करेंगे। तो यहाँ पे इनके बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सेंसर्स काम करते हैं तो ये डर बहुत इजिली जाते हैं। यहीं पे हम पढ़ेंगे अवॉइड स्टैंडिंग इन ग्रुप। ऐसे बच्चे जिनमें एसपीडी के सिम्टम्स होते हैं वो ग्रुप को अवॉइड करते हैं, वो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले खड़े रहना पसंद करते हैं, भीड़ में जाके खड़े नहीं रहेंगे। इन पॉइंटों के अलावा हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं, जैसे कि एक्चुअली इन बच्चों में क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत वीक होता है, वो कॉन्फिडेंटली खड़े नहीं होते, अपने आप को फेयर नहीं कर पाते हैं। इनके साथ साथ में एक्चुअली जो डिसीजन मेकिंग इनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी कम होता है कंपैरिजन अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स थे एसपीडी के जो हम बात कर रहे थे। इसमें सेंसर्स काम करते हैं, एक बात ध्यान रखना है एसपीडी में हमेशा सेंसर्स की बात होगी। हमारी बॉडी में सेंसर्स पांच है, आईज, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन। इन पांच सेंसर के या तो काम होगा अबो एवरेज या होगा बिलो एवरेज। तो इसी के बाद हम बात करेंगे कोजेस। ऐसे कौन कौन से कोज है जिसकी वजह से एसपीडी हो सकती है, तो हम बात करेंगे जेनेटिक फैक्टर। डेफिनेटली अगर ये जेनेटिक है पेरेंट्स की वजह से तो ये ट्रांसफर होगा बेबी में और उसको ये एसपीडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहीं पे हम बात करेंगे ब्रेन इंजरी। अगर ब्रेन इंजरी हुई है तो भी आपको एसपीडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लो बर्थ वेट, अगर बर्थ के टाइम पे आपका वेट कम है, इसकी वजह से क्या होगा आपको, एसपीडी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये भी इसका एक मेन कोज है। इसी में होगा लो बर्थ वेट, ये दो पॉइंट इसके नहीं रहेंगे। इसी में आपका एक पॉइंट रहेगा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की वजह से भी क्या हो सकता है, एसपीडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक
ठीक है, तो ये हमने पढ़ा सिम्टम्स एंड कोज किसके, एसपीडी के, सेंसिंग प्रोसेसिंग डिसऑर्डर।